जेएसएससी जेई की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 3 जुलाई को हुई जेएसएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद प्रश्न पत्र लीक हो गया। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द किया गया है। इसकी जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पत्र जारी कर दी है। अवैध खनन को लेकर ईडी की टीम ने साहिबगंज में जिला खनन कार्यालय और ईडीएफओ कार्यालय को अपनी सुरक्षा में ले लिया। टीम यहां पर दस्तावेज को खंगालने में जुटी है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दरमियान पंकज मिश्रा के द्वारा मामले की कुछ अहम जानकारी दिए जाने के बाद ईडी की टीम ने आज साहिबगंज पहुंचकर जिला खनन कार्यालय, जिला वन कार्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है। सावन की दूसरी सोमवारी पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा गया। पलामू के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों में शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए पहुंचते रहे। ऐसी मान्यता है कि शिव पर दूध का अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। निरसा प्रखंड के रागा मटिया गांव के सरसा शिव मंदिर परिसर से सावन मास के पावन अवसर पर 451 भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस कलश यात्रा में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, जीप सदस्य संजय सिंह, मुखिया कमला देवी शामिल रही। कलश यात्रा सरसा शिव मंदिर से निकलकर भागा बांध नदी घाट तक गई। कलश में जल भरकर सरसा मंदिर वापस लौटी। मौके पर जीप सदस्य पिंकी मराडी और जीप सदस्य दीपाली रोहिदास ने बताया कि सावन मास के पावन अवसर पर यहां भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है, ताकि बाबा भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे और साथ ही बारिश हो, ताकि खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को लाभ मिल सके। चतरा जिला के अधिकांश सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के बीच बच्चों को तालीम दी जा रही है। ऐसे में विद्यालय का एक भी शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यों और ऑफिशियल वर्क में लग जाए तो फिर बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे ही रह जाता है। यानी कि स्कूलों में मौजूद बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे दी जा रही है, जिससे बच्चों का पठन पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अपने भविष्य बनाने की ललक लेकर स्कूल पहुंचने वाले इन बच्चों का भविष्य टीचर के अभाव में तबाह हो रहा है। कई विद्यालयों में तो स्थिति यह भी है कि यहां पढ़ने वाले छात्राओं को कक्षाएं लेते अमूमन देखा जा रहा है। हजारीबाग में मूलभूत सुविधाओं और इंटरमीडिएट के एडमिशन को लेकर एबीबीपी के मारखम कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एबीबीपी के आह्वान पर सैकड़ों छात्र छात्राएं कॉलेज के गेट पर हड़ताल पर बैठ गए। विद्यार्थियों का कहना है कि विनोद भावे यूनिवर्सिटी में लगभग अधिकतर कॉलेज में इंटरमीडिएट का एडमिशन हो रहा है, लेकिन मारखम कॉलेज में इंटरमीडिएट एडमिशन बंद कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। धनबाद नगर निगम में वार्ड 53 में सफाई व्यवस्था नदारद में हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आसपास की नालिया जी की जंजाल बन चुकी है और हमारा रहना दुर्लभ हो गया है। नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात से बेखबर हैं। दुकानदारों ने कहा कि नगर निगम की लचर व्यवस्था का खामियाजा नगरों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लोहरदगा न्यायालय परिसर में अभिवक्ताओं ने विरोध जताया। झारखंड बार काउंसलिंग के बैनर तले वकीलों ने एक दिवसीय काला बिल्ला लगाकर कार्यों का बहिष्कार विरोध जताया। इस दौरान न्यायालय में वकीलों के बहिष्कार के कारण सभी प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह से ठप रही। वहीं लोहरदगा बार एसोसिएशन के सचिव अजय कुमार बसंत ने कहा कि यह आदिवासी मूलवासी क्षेत्र है, ऐसी जगहों पर कोर्ट में फीस बढ़ोतरी होने पर ग्रामीण को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए उन्होंने मांग की कि जल्द ही जल्द फीस को कम किया जाए। सरकार द्वारा कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सिमडेगा न्यायालय परिसर में वकील के एक दिवसीय काला बिल्ला लगातार सभी प्रकार के कार्यों को पूरी तरह से बहिष्कार किया। इस दौरान न्यायालय में कार्य के वकील के बहिष्कार कारण न्यायालय में सभी प्रकार के गतिविधियां पूरी तरह से ठप रही। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बसंत प्रसाद ने कहा कि आदिवासी मूलवासी क्षेत्र हैं, ऐसे जगहों पर कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार की फीस की बढ़ोतरी की, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आजुसू पार्टी नगर कमेटी द्वारा 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आजुसू कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर आजुसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि धनबाद नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है, लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिले में सरकारी सुविधाएं नदारद हैं।
निरसा में ग्लोबल टेंडर के विरोध में मुगमा एरिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के समीप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इस दौरान सभी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ACCL प्रबंधक की मनमानी मुगमा एरिया में नहीं चलने दिया जाएगा। ग्लोबल टेंडर लागू होने से स्थायी कॉन्ट्रैक्टर भूखे मर जाएंगे और बाहरी लोगों का वर्चस्व कायम हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि ग्लोबल टेंडर को वापस ले लें। यदि ऐसा नहीं होता है कि मुगमा एरिया के सारे कॉन्ट्रैक्टर अनिश्चितकालीन धरना के साथ भूख हड़ताल और आत्मदाह भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही यह भी कहा कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ग्लोबल टेंडर में हिस्सा लेने की स्थिति में नहीं है। मुगमा एरिया के कॉन्ट्रैक्टर छोटे छोटे काम कर अपना और परिवार का भरण पोषण करते हैं। 7 दिनों के अंदर ACL प्रबंध इस समस्या पर विचार करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही ACL प्रबंधक की होगी। अपने बेहतरीन अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले आदित्य पंचोली कोयला नगरी धनबाद पहुंचे। जनता मजदूर संघ से महामंत्री सह JBCCI सदस्य सिद्धार्थ गौतम के साथ अभिनेता आदित्य पंचोली BCCL पश्चिमी झरिया क्षेत्र के मुनिडीह कोलियरी पहुंचे। सुरक्षा ड्रेस के साथ GM के साथ आदित्य ने कोलियरी के अंडरग्राउंड माइनिंग को देखा। उसके बाद एक निजी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया।